आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने कामों से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताश होने वाले, जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इनसे बचना चाहिए। भले ही सामने कितनी भी बड़ी लालच हो, गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है और उसकी वजह से उसे जीतने वाली बढ़त मिलती है। अपने काम को लेकर गौरव अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, ये तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। काम और काम को करने वाले की गुणवत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह से किए गए काम से कोई नतीजा नहीं मिलता। एक छोटी सी घटना के माध्यम से इस बात को समझाता हूं। तीन लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ईंटे चुन रहा हूं। तब उसने तीसरे से पूछा और तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूं। वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में तीन बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। क्या उनके नजरिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है, जरूर पड़ेगा। उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वाले को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम उसे करने वाले का अक्स होता है, चाहे वह कार सफाई का काम हो, फर्श साफ करने का काम हो, या घर की रंगाई करने का काम हो। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। एक बार माइकल एंजिलो कई दिनों से एक प्रतिमा पर काम कर रहे थे। वह हर बारीकी को सुधारने में काफी वक्त लगा रहे थे। पास खड़े एक आदमी को यह सुधार गैर जरूरी लगे। उसने माइकल एंजिलो से पूछा कि वह उन बारीकियों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। माइकल एंजिलो ने जवाब दिया, छोटी छोटी चीजें ही पूर्णता लाती है और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। ज्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से किया, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि आपने वह काम कितने अच्छे ढंग से किया। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए, तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजिलो पेंटिंग करता हो, या बीथोवन संगीत की रचना करता हो, या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह के लोग रुक कर बोले कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता है, जिसने अपना काम गर्व और बहुत अच्छी तरह किया। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाएं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें इस वीडियो के प्रति आपके बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।